सभी का पीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 के लिए वाइस। हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वाइस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वाइस हम लोग देखेंगे। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वाइस हमारा जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसको हल करने का तरीका था, सारा का सारा सिस्टम यहाँ भी वैसे चलता रहेगा। देखते हैं एग्जांपल हम लोग। ही हैज ईटन एन एप्पल। ही हैज ईटन एन एप्पल, उसने एक सेब खा लिया है। अब हम लोग देखते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। आप लोगों को पता है प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया ली जाएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक कंटीन्यूअस का क्या होता है, उसकी सहायक क्रिया हैज लगेगा, हैव लगेगा, इन दोनों के साथ बीन का प्रयोग होता है। इन दोनों के साथ बीन का प्रयोग होता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ बीन का भी प्रयोग करेंगे। बीन का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि सहायक क्रिया आपको किसकी ले जानी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बन रहा है। एन एप्पल, एन एप्पल, एक सेब। तो एक सेब, एक वचन, एक वचन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हैज का। तो हम लोग यहाँ लगाए हैज, हैज का प्रयोग हुआ, उसके साथ साथ बीन का भी प्रयोग करेंगे। किस लिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य होगा। एन एप्पल हैज बीन, उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पर हमको बदलने की जरूरत नहीं है, वही लिख देंगे। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय, अब यहाँ ही आया है, एक्टिव में ही है, इसका परिवर्तन पैसिव में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव नॉट रिटेन ए लेटर। आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर। तो अब देखते हैं यहां ए लेटर। अभी देखें यहां हैव का प्रयोग हुआ है, आई है, आई बहुवचन, बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ होगा आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है, ए लेटर, ऑब्जेक्ट हुआ ए लेटर। तो ये एक्टिव में हम लोग देख रहे हैं किससे शुरू हुआ है, एक्टिव हमारा शुरू हुआ बहुवचन से, इसलिए हैव का प्रयोग। लेकिन जब हम लोग पैसिव कर रहे हैं तो पैसिव हमारा किससे शुरू हो रहा है, पैसिव हमारा ए लेटर, एक वचन से शुरू हो रहा है। जब ये एक वचन शुरू हो रहा है, एक वचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हैज का प्रयोग। तो एक वचन के लिए किसका प्रयोग हो गया, हैज का। तो ए लेटर हैज, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ए लेटर हैज बीन, सॉरी नॉट का प्रयोग होगा, बीन के पहले नॉट का प्रयोग। ए लेटर हैज नॉट, फिर लगाएंगे बीन। बीन का प्रयोग किस लिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया, इसलिए बीन का प्रयोग। अब आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रिटेन जो है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है ही, इसको वैसे लिख लेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म हो गया बाई। अब उसके बाद आई आया है, तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि एक्टिव में आई आएगा तो उसका पैसिव वाइज क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। A letter has not been written by me. ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
चलिए देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। व्हाई हैज ही ब्रोकन दिस पेन, व्हाई हैज ही ब्रोकन दिस पेन, उसने इस कलम को क्यों तोड़ा। अब इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग वाई आया है तो वाई पे कोई परिवर्तन है, हम लोग वाई को वाई लिखेंगे ही लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये हैज ही के अनुसार हैज का प्रयोग हुआ तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आया। उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब अभी बाहर रहेगा किसके अनुसार, दिस पेन के अनुसार। दिस पेन एक वचन हो रहा है तो एक वचन के लिए हैज का ही प्रयोग किया जाता है, यह हो गया हैज। फिर हम लोग लिख लिए वाई हैज दिस पेन, वाई हैज दिस पेन। अब उस फिर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। ये डब्ल्यू एच टाइप वाक्य बाहर रहेगा, इसको हम लोग पहले लिखेंगे फिर सहायक क्रिया लेंगे हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार। तो यहाँ हैज का प्रयोग हुआ, फिर हम लोग लेंगे क्या चीज, दिस पेन, दिस पेन। फिर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। बीन का प्रयोग क्या होगा, बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया, इसलिए बीन का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी क्या हुआ, ब्रोकन हो गया बाई। अब ये क्या है, ही के लिए किसका प्रयोग होगा, हिम का, आप लोगों को पता है। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव भी बन गया। तो इसी प्रकार आप लोग अगर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी आ जाता है तो निगेटिव आता है तो निगेटिव के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट के बाद ये दिस पेन, इसके बाद नॉट लगा सकते हैं, तो बन जाएगा वाई हैज दिस पेन नॉट बीन ब्रोकन बाई हिम। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आए होंगी प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वाइज। अब हम इस पर होमवर्क दे दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, आप लोग इसको करके भेज दीजिएगा। देखते हैं नंबर एक, ही हैज बॉट द टिकट, ही हैज बॉट टिकट्स, she has not learned cooking so far, she has not learned cooking so far, deposited the fine. Agla, have they played a friendly match? Have they played a friendly match? अगला, हैव यू नॉट स्पेंट ऑल द मनी, अगला, लता हैज chosen many beautiful sarees, beautiful sarees. Agla, who has sold my pen? Who has sold my pen? Agla, has the nurse washed? Has the nurse washed the linen? Someone has picked
Someone has picked my my pocket. Agla, who has broken this jug? Who has broken this jug? तो डियर स्टूडेंट आप लोग ये 10 हम होमवर्क दे दिया आप लोग वीडियो देखने के बाद ये आप लोग इसको हल करेंगे। हल कर लेने के बाद आप लोग इसको चेक करवाने के लिए हमारे नंबर 8808 3848 01 पर इसको सेंड कर देंगे, हम उसको चेक करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही हो इस विषय में, पैसिव वॉइस बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज़ें ना समझ में आ रही हो, तो उसको समझने के लिए आप लोग इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अपने जो गृह कार्य हल करोगे उसको इस नंबर पर भेज कर चेक करवा लोगे। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।